इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एना डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अज्यूम कीजिए x इक्वल टू टेन थीटा, मान लेते हैं x इक्वल टू टेन थीटा है, तो यहाँ से हम थीटा को फर्दर लिख सकते हैं टेन इनवर्स x, ठीक है। इसकी ज़रूरत हमें बाद में पढ़ने वाली है। तो अभी हम x इक्वल टू टेन थीटा अपने y वाले एक्सप्रेशन में रखने वाले हैं, तो हमें क्या मिलेगा। नाउ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा होता है, तो हमें यहाँ से मिलेगा 2 थीटा। एंड अब हम थीटा का वैल्यू यहाँ प्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा, ठीक है। अभी हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमें क्या मिलेगा y1 इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज वाई वन इक्वल टू टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप फर्दर कुछ इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अभी हम पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से इसको ब्रेक करेंगे एज वन अपॉन एक्स माइनस आई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस आई। हम पार्शियल फ्रैक्शंस की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन आई एंड 1 अपॉन एक्स माइनस आई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस आई, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब हम इसको n माइनस 1 टाइम्स इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। दोस्तों ये डेरिवेटिव ठीक वैसे ही है जैसे आप 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का एन डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस वन एन माइनस वन फैक्टोरियल को कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, अभी आपको एक छोटा सा काम करना है। हम लोग यहाँ अज्यूम करते हैं x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड 1 इक्वल टू आर साइन थीटा, ये हमने अज्यूम कर लिया, और ये वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस करेंगे x का वैल्यू यहाँ पे, और i डॉट 1 मान सकते हैं तो 1 का वैल्यू यहाँ प्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने सिर्फ x और 1 का वैल्यू यहाँ प्लेस किया है तो मुझे ये मिल जाएगा। फर्दर आप यहाँ से देखेंगे कि r दोनों टर्म्स के बीच उपस्थित है तो हम यहां से r को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा और अब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर के साइन चेंज हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा। दोस्तों ये वैल्यू मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, ये वैल्यू को मैं अब यहां पे डॉट डॉट कर दे रहा हूं, दैट मींस की वैल्यू एज इट इज यहां पे लिखी हुई है, ठीक है। अभी हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए जो यूज़ करने वाले हैं, हम लोग डिमोइवर थ्योरम का रिजल्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे, और वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर एन है तो आप इसे लिखेंगे डिमोइवर थ्योरम की हेल्प से कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, करेक्ट। सिमिलरली हम यहाँ पे ये वैल्यू प्लेस करेंगे तो समझ लेते हैं कि इस वैल्यू को यहाँ पे प्लेस किस तरह से करना है। कॉस हो जाएगा हमारा कॉस माइनस एन थीटा माइनस आई साइन माइनस एन थीटा। सिमिलरली हम यहाँ पे भी ये वैल्यू यूज़ करने वाले हैं तो इसमें चेंज क्या होगा अभी ध्यान से समझिए। कॉस थीटा ही होता है लेकिन साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो यहाँ ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में। सिमिलरली यहाँ पे भी ये प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में। अभी आपके पास बाहर माइनस है तो जब आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वापस से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो हम इसे डायरेक्ट लिख देते हैं। कॉस एन थीटा से कॉस एन थीटा कैंसिल, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। अब आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आता है वो कुछ इस तरह से होगा लेकिन r को भी हमें यहाँ से निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे,
हमें क्या पता है, हमने अज्यूम किया था 1 इक्वल टू आर साइन थीटा, दोनों तरफ पावर एन कीजिए तो आपको मिलेगा कुछ इस तरह से। अभी आप आर की पावर यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, आर का जो वैल्यू है वो आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे और इसको सिंपली समझ लीजिए। जब आप ये आर का वैल्यू यहाँ इस एक्सप्रेशन में रखेंगे तो 1/sin^n θ होगा, तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो फाइनली आपका आंसर क्या होगा? दोस्तों यही है आपका nth डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 2x/1+x2। ठीक है, यदि आप tan इनवर्स x का nth डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सेम यही प्रोसीजर रहेगा आपका। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मुलाकात होगी आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।